मोदी सरकार के मंत्री मौजूद थे, बीजेपी के कई नेता भी उपस्थित थे, लेकिन तभी बीजेपी के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे और बीजेपी के पूर्व विधायक चैन सिंह भवेदी आपस में बहस करने लगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बीज बचाव करते नजर आए। अब दोनों बीजेपी नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस किस मुद्दे पर हुई इसका अब तक पता नहीं चला है, लेकिन बीजेपी नेता ओम प्रकाश धुर्वे ने ये जरूर बताया कि चैन सिंह भवेदी ने ही पहले बहस शुरू की। अब ये हॉट टॉक शुरुआत उन्हीं ने किया, पता नहीं किस बात पे लेकर के हमारे ऊपर बरस पड़े। वो दलाल बोल रहे थे आपको, वो फोटो खिंचाने से मना। नजरों में शायद हमको लगता है हमने दलाली किया, हम तो दलाली नहीं किए। किस सब्जेक्ट में दलाली बोल रहे थे, उनका कोई पैसा खाया हूँ या उनका कोई प्लाट में जो है गिरवी रख लिया, कब्जा कर लिया। दलाल तो उन्हीं को बोला जाता है ना। क्या लगता है आपको राजनीति में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? राष्ट्रीय मंत्री होकर के और इतने घटिया शब्दों का चयन जो है और सार्वजनिक मंच पर, ये शोभा नहीं देता इतने बड़े राष्ट्रीय मंत्री को। दरअसल डिंडोरी के बैगा बैगी चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण था। इसी कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते यहां आए थे। मूर्ति अनावरण के बाद जब फोटो सेशन चल रहा था, तभी बीजेपी के दोनों नेता आपस में भिड़ गए। हालांकि बीजेपी नेताओं की आपसी बहस पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर कांग्रेस को लपेटे में जरूर ले लिया। देखिए, उनका मामला है, कौन कैसा है कांग्रेस के अंदर ये तो दुनिया जानती है, और इसलिए ये आप सब लोग जानते हैं कितना कौन परिपक्व है, कौन कितना होशियार है, कौन कितना नहीं होशियार है, ये तो दुनिया के लोग जानते हैं। परंतु राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस की जो स्थिति है आज, जिस प्रकार का वातावरण देश में बना है और कांग्रेस पार्टी की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनको अपने आप चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ये उनका अपना आंतरिक मामला है कांग्रेस का, और इसीलिए उसका निर्णय कांग्रेस के लोग करेंगे। हमारे पास इस प्रकार का नहीं, हमारे पास साफ छवि के लोग हैं। देखिए, कुछ व्यक्तिगत मामले कई लोगों के रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, और इसीलिए कानून है, कोई भी व्यक्ति हो, देखिए सरकार के अंदर या सरकारें जहाँ भी है, वो सरकार के अंदर जो भी है, कानून के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है उस पर कार्रवाई होती है। इसमें कहीं कोई पार्टी का कोई विषय नहीं है। जो भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का गलत काम करेगा तो उस पर पार्टी का कोई वास्ता नहीं रहता। कार्रवाई जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून उन पर कार्रवाई करती है, और कानून के दायरे में अगर कानून के खिलाफ में हमको इस प्रकार का कोई भी गलत प्रकार का प्रयास करेंगे तो निश्चित कानून छोड़ेगा नहीं। वैसे दोनों बीजेपी नेताओं की झड़प के पीछे हाल में हुए जिला पंचायत चुनाव को माना जा रहा है। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच इस बहस का वीडियो वायरल हो गया है। डिंडोरी से डेविड सूर्या की रिपोर्ट, एमपी तक।